नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को देखिए। कितना खूबसूरत पैगाम है इस वीडियो में। एक बाप अपने मासूम से बच्चे को गोद में लिए हुए मस्जिद पहुंच जाता है। मस्जिद में नमाज हो रही होती है और ये बाप अपने मासूम से बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चे के सोने के बाद ये बआसानी नमाज अदा कर सके। जैसे ही बच्चा अपने बाप की गोद में सोता है तो ये बाप अपने बच्चे को पिछली सफ में लिटा कर नमाज में मशगूल हो जाता है। माशाअल्लाह, एक बाप अपने लखते जिगर को लिटा कर कैसे नमाज अदा कर रहा है। ये इस वजह से क्योंकि ये आदमी नमाज की अहमियत को जानता है कि नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। लिहाजा हमें इस वीडियो से सबक लेना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए क्योंकि नमाज छोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के छोड़ने वालों के सिलसिले में सख्त वईद सुनाई है। लिहाजा हमें बाजमात नमाज का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए और हमें बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आपकी क्या राय है इस वीडियो के सिलसिले में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।